मध्य प्रदेश में खाद और यूरिया की आपूर्ति के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ा बयान आया है। तीखे तेवर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताए हैं। दरअसल प्रदेश में कई जगह ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि खाद को लेकर लाइन लग रही और कछु जगह कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन भी करे है। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो है एक बड़ो बयान। उनने कही है कि प्रदेश में खाद को कोनू संकट नहीं है, जो कृत्रिम संकट बनावे की कोशिश कर रहे हैं लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जे है। सुनो जरा खाद की उपलब्धता और संकट के आरोपों पर क्या बोले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रिय किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है। तकनीकी कारणों से थोड़ी सी दिक्कत बीच में आई थी, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आवश्यकता के अनुसार खाद आपको मिलेगी, हम उपलब्ध कराएंगे और इसलिए जैसी जरूरत है वैसी खाद प्राप्त करें। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में। ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल इस समय किसानों को खाद और यूरिया की बेहद जरूरत होती है। हर किसान खाद और यूरिया के लाने लाइन में लग के जल्दी से जल्दी खाद लेवे की कोशिश करत है। विपक्ष को आरोप है कि खाद को संकट है, सरकार व्यवस्था नहीं करा पाई, जबकि सरकार कह रही है कि विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा और किसानों को भड़काऊ थे, यही वजह से अव्यवस्था फैलत है। खाद और यूरिया को कौनू संकट प्रदेश में है नैया। केवल 4 महीने में कीजिए MPPSC प्रीलिम्स की पूरी तैयारी। ज्वाइन कीजिए लक्ष्मी शरण मिश्रा सर का MPPSC प्रीलिम्स बैच। 1 दिसंबर से भोपाल में शुरू हो रहा है ऑफलाइन बैच, जिसकी फीस है केवल 18,000 रुपए। एडमिशन होंगे केवल 1 दिसंबर को। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7747068666 पर। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।